दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब किया जाता है जब हम किसी एक्शन को कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी कि जो ड्यूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो किसी एक्शन को रिसेंटली कंप्लीट कर चुका है, मतलब कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, उस सिचुएशन में हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, राइट। अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हैज और हैव फॉलो करते हैं V3 को, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब आइए जानते हैं कि कब हमें हैज लगाना है, कब हमें हैव का यूज करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट्स हमारे या तो सिंगुलर्स होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं। तो दोस्तों हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, नेम। तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी के साथ हमें लगा देना है हैव। तो याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम यहां पे करेंगे। अफर्मेटिव में हैज हैव, देन V3 ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है, यानी कि हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है। चलो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर से बता देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। तो हमारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव V3 देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इंटरोगेटिव में हमें स्टार्टिंग में यूज करना है हैज या हैव, स्टार्टिंग में हैज आएगा या हैव आएगा। इसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट देन V3 ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप निगेटिव इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज हैव सब्जेक्ट इसके बाद नॉट पुट कर दीजिएगा, देन V3 देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर्स हो गए जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब अगर आप क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब के बिफोर यूज करेंगे। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बिफोर ही WH फैमिली वर्ड का यूज किया जाता है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से हम अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज स्पोकन इंग्लिश, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही है, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे बिकॉज ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही हैज स्पोकन, अब स्पोकन स्पीक की थर्ड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहां पे हमें V3 का यूज करना है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। अब इसको निगेटिव बनाते हैं, ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो यहां पे हमें हैज के बाद सिंपली नॉट पुट कर देना है, देन V3 तो ऑलरेडी यूज हो ही रहा है, तो ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। अच्छा इस हैज नॉट को हम शॉर्ट करके इसका कॉन्ट्रेक्शन हैजंट भी बोल सकते हैं, ही हैजंट स्पोकन इंग्लिश। आइए इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, हैज को स्टार्टिंग में ले आइए, देन सब्जेक्ट बाद में जाएगा, हैज ही स्पोकन इंग्लिश, हैज ही स्पोकन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, कंपलसरी है, हैज ही स्पोकन इंग्लिश, हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दे हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, अब यहां पे दे के साथ हमें क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। तो दोस्तों हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, दे हैव ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। देखो ईट, एट, ईटन, ईट V1 है, एट V2 है, ईटन V3 है। तो दे हैव ईटन फूड, अब इसका नेगेटिव देखते हैं, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, हैव दे नॉट ईटन फूड, हैव दे नॉट ईटन फूड। एग्जाम्पल और देखते हैं, शी हैज डन हर होमवर्क, शी हैज डन हर होमवर्क। शी के साथ हैज लगेगा, डू की थर्ड फॉर्म डन, डू, डिड, डन, शी हैज डन हर होमवर्क। नेगेटिव बना लीजिए, शी हैज नॉट डन हर होमवर्क, हैज शी डन हर होमवर्क, हैज शी नॉट डन हर होमवर्क।
एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, लास्ट एग्जांपल यहां पे देख लीजिएगा। वी हैव टेकन टी, वी हैव टेकन टी, तो वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव टेकन टी, नेगेटिव, वी हैव नॉट टेकन टी, हैव वी टेकन टी, हैव वी नॉट टेकन टी, ओके। तो इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमने कब करा, जब एक्शन है रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, अभी रिसेंटली आपने उस एक्शन को कंप्लीट किया है, तभी हम परफेक्ट में बात करते हैं। अब कुछ बातें आपको याद रखना है, इनको आप नोट भी कर लीजिए कि परफेक्ट टेंस में आपको यस्टरडे वर्ड का यूज नहीं करना है, एक बात, इसमें आपको ईयर यानी किसी सन का यूज नहीं करना है, वो चीजें जाती हैं पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनेट में यूज होती हैं। जैसे कि अगर आप बोलें कि शी हैज डन बीए इन 2018, शी हैज डन बीए, या आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2020, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप परफेक्ट टेंस भी बोल रहे हैं और आप यहाँ पे सन भी बता रहे हैं, जबकि ईयर को जो हम यूज करते हैं, तो बच्चों ईयर का यूज करते हैं हम पास्ट में, तो ईयर यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनेट में यूज करना होगा, तो वी हैव कंप्लीटेड नहीं, वी डिड ग्रेजुएशन, या वी डिड बीए बीकॉम बीएससी इन 2018-2019, जो भी ईयर आप बताना चाहें, तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में बताइएगा। परफेक्ट में हम यस्टरडे वर्ड भी नहीं बताते हैं, परफेक्ट में हम यहाँ पे सन भी नहीं बताते हैं, ये बात चली जाती है पास्ट में। इसमें ऑलरेडी वर्ड का यूज होता है, रिसेंटली वर्ड का यूज होता है, जैसे कि आई हैव सीन ऑलरेडी दिस मूवी, आई हैव सीन ऑलरेडी दिस मूवी, आई हैव सीन ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी का आप यूज कर सकते हैं, रिसेंटली का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, आप परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और वी थ्री, परफेक्ट ही नहीं किसी भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ही परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने समझ लिया है, और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमने टेंसेस को स्टार्ट करा है, टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को समझा, इसके बाद मैंने आपको कंटिन्यूस एक्सप्लेन कराया, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आप पहले की वीडियोज को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगी। एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, सभी वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, तो आप वन बाय वन एक एक वीडियो को देखते जाइए, नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आप इसको राइटिंग कीजिए, ओरल आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए आप जो भी सीखते जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो, चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।